सातवीं दिसंबरा ने अल्लाह को लेकर कही विवादित बात, मुसलमानों के खुदा बहरे। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं हापुड़ हलचल। शुक्रवार को सातवीं दिसंबरा ने मंदसौर पहुंचकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। यहां उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर कहा कि प्रकृति का सहधर्मी बनना चाहिए। प्रकृति पर बहुत सारे प्रदूषण हैं, जिसमें ध्वनि भी एक प्रदूषण है। उन्होंने कहा कि सुबह सुबह जो नहीं सुनना चाहते हैं उन्हें भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ऐसे में पूरे समाज की शांति के लिए जो हुई संवैधानिक कदम उठाए जाए उनका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, प्रकृति का सहधर्मी बनना चाहिए। प्रकृति में बहुत सारे प्रदूषण है, ध्वनि भी एक प्रदूषण है। तो जिस तरह की होड़ मची हुई है सुबह सुबह, जो नहीं सुनना चाहते उनको भी बहुत कुछ ऐसा सुनना पड़ता है। तो पूरे समाज की सुख शांति के लिए जो भी संवैधानिक कदम उठाए जाएं उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सुबह सुबह जो है आपकी पूजा भक्ति पाठ सब आपका व्यक्तिगत है ना। अब ये तो हमने सुना था कि मुसलमानों के खुदा बहरे हैं, इसलिए इतनी जोर जोर से चिल्ला के उन्हें बताना पड़ता है। पर हम तो मानते हैं कि चींटी के पगनू पर बाजे सो भी साहिब सुनता है। प्रार्थनाओं के लिए तो शब्द भी नहीं चाहिए होते, वो तो आंतरिक भावना को सुनते हैं। सातवीं रितंभरा ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के सवाल पर आगे कहा, आपकी पूजा भक्ति पाठ व्यक्तिगत होता है। उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि मुसलमानों के खुदा बहरे, इसलिए इतने जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें बताना पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि प्रार्थनाओं के लिए शब्द नहीं चाहिए होते हैं, वो तो आंतरिक भाव को सुनते। बहरहाल, इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।